हेलो एवरीवन, इन द लास्ट लेक्चर वी रीड अबाउट मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एटॉमिसिटी। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एलिमेंट्स के कंपाउंड के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग एटॉमिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। सो अवर रीडिंग इज एटॉमिसिटी। अब देखिए एटॉमिसिटी में क्या होता है। जो एटॉमिक फिटी होता है, ये क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स में जितने एटम्स ऐड होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, एटॉमिक सिटी बोलते हैं। सो इट इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मोल ओ सॉरी वन मॉलिक्यूल्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। ठीक है, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वही उसकी एटॉमिसिटी हो जाती है। जैसे अगर हम लोग बात करें, पहले तो देखिए इसका तीन है, एक क्या होते हैं जिसके एटॉमिसिटी वन हो, ठीक है, वन मॉलिक्यूल वन एटम रहेंगे, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं एटॉमिसिटी इनकी कितनी होगी, वन होगी, और इसे बोलते हैं मोनो एटॉमिक। जैसे आपके हो गए हैं सोडियम, पोटेशियम, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, ये सब, ये जो इतना होते हैं इसको बोलते हैं नोबल गैस। तो इन सब की एटॉमिक सिटी कितनी है, वन है। देखिए सिर्फ एक ही सोडियम के मॉलिक्यूल में केवल एक ही सोडियम रहता है तो उसकी एटॉमिक सिटी वन हो गई। अब देखिए दूसरे की बात करते हैं जिसमें दो एटम होते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है, डाई एटॉमिक होता है, और इसको बोलते हैं इनमें एटॉमिसिटी कितनी होगी, टू होगी। जैसे हाइड्रोजन, आप जानते हैं हाइड्रोजन को H2 के फॉर्म में लिखना है, ऑक्सीजन O2, क्लोरीन Cl2, आयोडीन I2, ब्रोमीन Br2 ना, ये सब में देखेंगे आप ध्यान से तो सब में टू 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 ही है, तो ये क्या हो जाते हैं आपके, डाई एटॉमिक हो जाते हैं, अर्थात इनकी जो एटॉमिसिटी होती है वो क्या होती है, टू हो जाती है। ठीक है, फिर अब बात करते हैं हम लोग जिसमें थ्री एटम हो, उसको क्या बोलेंगे, ट्राई एटॉमिक बोलेंगे, और इनकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, थ्री होगी। लाइक ओजोन, अगर हम ओजोन की बात करें तो ओजोन का O3 होता है, मतलब इसमें थ्री एटम कंबाइन होते हैं, तो ओजोन की क्या होती है, एटॉमिसिटी थ्री हो जाएगी। चलिए तो ये एटॉमिसिटी की बात हो गई। बाकी हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, आपका फिनिश हो गया, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स की बात करते हैं। सो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स पर डिस्कस करते हैं, इसमें क्या हो जाता है, देखिए जो कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें मिनिमम टू डिफरेंट टाइप के एटम केमिकली कंबाइंड होते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग कह सकते हैं द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड contains two or more different type of
एटम्स, केमिकली कंबाइंड टुगेदर, मतलब जो हमारे कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, जो एटम्स होंगे वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें वाटर, तो वाटर का जो फार्मूला होता है H2O। अब वाटर में कित क्या होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन है, ठीक है, एंड ऑक्सीजन। तो ये हो गए हैं वाटर के, मतलब डिफरेंट टाइप के आपके क्या हो गए हैं, एटम यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि वाटर के एक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में क्या होते हैं, दो अलग अलग टाइप के एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देन और हम बात कर सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, या हाइड्रोजन क्लोराइड आप कह सकते हैं, HCl होता है। इसमें देखेंगे तो अलग अलग है कौन, हाइड्रोजन है एंड क्लोरीन है, ठीक है। दोनों जब ऐड हो जाते हैं तब आपको क्या देते हैं, HCl देते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड देते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे केमिकल फार्मूले पे, चलिए। तो देखिए केमिकल फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला किसी मॉलिक्यूल के जो कंपोजिशन होते हैं उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। सो ए केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट्स द कंपोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब क्या होता है, जो हमारा केमिकल फार्मूला होता है ये क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है कंपोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इन टर्म ऑफ द सिंबल, ये सिंबल के टर्म में बताता है, ठीक है। और इसी को चाहे आप केमिकल फार्मूला कहिए या मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों एक ही होते हैं, ठीक है ना। केमिकल फार्मूला क्या होता है, ये एक ऐसा फार्मूला होता है जिसमें जितने एटम्स यूज किए हुए हैं उन सबको ये डिफाइन करता है, बताता है, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।